नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा, शिवराज और प्रभात झा अब आरोप प्रत्यारोप से कहीं आगे निकलते हुए इस तरहीन राजनीति का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभात झा की इसी निम्न स्तरीय राजनीति का एक नमूना उस दिन देखने को मिला जब उन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता से ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक सिंदूर लगा नारियल, काला धागा और नींबू भेंट करवाया। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जब सिंधिया के वाहन को रुकवाया गया तो सरल मन के सिंधिया ने वाहन रोका और भाजपा कार्यकर्ता द्वारा साजिशन दी गई भेंट को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उक्त भेंट में सिंदूर लगा नारियल, नींबू और काला धागा दिखा तो उनके सुरक्षा कर्मियों व उपस्थित साथियों ने इसे टोटका या कुछ असामान्य भेंट बताते हुए फेंक देने की सलाह दी और सिंधिया ने तत्काल संदिग्ध सामग्री फेंक दी। क्योंकि यह सब एक साजिश के तहत हो रहा था, इसलिए संदिग्ध सामग्री देने वालों ने शुरू से ही पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कर रखी थी। और वही हुआ भी, जैसे ही सिंधिया ने संदिग्ध सामग्री को बाहर फेंका तो लोगों ने तय चाल के मुताबिक वीडियो में केवल नारियल को दिखाते हुए तत्काल इस वीडियो को मीडिया में जारी कराया और सिंधिया की आस्था पर सवाल उठाने के अपने नापाक मंसूबों के साथ सामने आए। परंतु यह ज्ञात नहीं था कि ये लोग धर्म के बाद अब आस्था और प्रसाद को भी राजनीतिक बनाने का दुस्साहस करेंगे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।